यू बॉय एक प्रथा रही है जब से जादू का त्रिकोणीय मुकाबला शुरू हुआ है। क्रिसमस ईव की शाम हम और हमारे मेहमान ग्रेट हॉल में जमा होकर इसका लुत्फ उठाते हैं, पर पूरी तहजीब के साथ। मेजबान स्कूल होने के नाते मैं हर एक से बस इतनी उम्मीद रखती हूँ कि आप अपने कदम संभाल के रखेंगे, और वो इसलिए क्योंकि यूल बॉल कुछ और नहीं बल्कि एक डांस है। खामोश। जादूगरी की दुनिया में पिछली 10 शताब्दी से गौरव गरुड़ द्वार का नाम ऊपर रहा है। एक ही शाम में इसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अगर आप लोगों ने अपनी बंदरों जैसी बचकानी हरकतें नहीं सुधारी। चलो इसी को जल्दी जल्दी बोले। और अब डांस के लिए अपनी भावनाओं को बहने दो। हर लड़की के अंदर भावनाओं का हंस पंख फैलाए उड़ने के लिए बेचैन है। लॉरेंस मेचिन की भावनाओं का हंस उड़ा भी तो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकेगा। और हर लड़का किसी शेर की तरह गरजना चाहता है। मिस्टर वीजली जी, आप जरा यहाँ आए प्लीज। अब अपना दाहिना हाथ मेरी कमर पे रखें। कहाँ? मेरी कमर पर, कुछ इस तरह। मिस्टर फिंच, म्यूजिक प्लीज। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. अब तुमने कुछ समस्या को ना? नहीं। अपने अपने जोड़े बनाओ। बॉय खड़े हो जाओ। कोई पूछे भी तो कैसे, कोई भी कभी अकेले नहीं मिलती। खैर नहीं, तुम ड्रैगन को हरा सकते हो पर किसी को डेट के लिए नहीं पूछ सकते। ड्रैगन से लड़ना ज्यादा आसान है। हद हो गई, इस तरह तो बस हम दो ही यूल बॉल में बिना डेट के होंगे। हाँ, और नेविल भी। हाँ, पर मुझे लगता है वो अकेला ही काफी। तुम दोनों को बता दो कि नेविल को कोई मिल गई है। मेरा तो दिल टूट गया। क्या है, जल्दी से कोई ढूंढ लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। किसके साथ जा रहे हो? ओह एक्चुअली ना, क्या तुम चलोगे मॉल में मेरे साथ? मेरे साथ? ओके। हरमाइनी, तुम भी तो लड़की हो। अच्छा, पता चल गया। हमने से एक क्या है कि लड़का अकेला जाए तो लोग सिर्फ हंसेंगे, पर लड़की को अकेले। मैं अकेली नहीं जा रही क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था। और मैंने हाँ कर दी। मैं नहीं मानता, वो झूठ बोल रही है ना? मुझे तो नहीं लगता। देखो, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आज रात हम कॉमन रूम जाएंगे और पार्टनर्स ढूंढ कर लाएंगे। ठीक ठीक।